कढ़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आप जिस दिन मेरे तरीके से बना के खाओगे ना, उस दिन से कढ़ी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम और मेरी किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एक पतीला लेंगे और इस पर ये छलनी रख देते हैं। दही को हम छान के लेंगे ताकि इसमें कोई टुकड़ा मलाई वगैरह ना आए। दही आप जैसी ही आपके पास हो वैसी ही ले लें। यहाँ मैंने आधा किलो दूध की दही ली है, जो एक आधा किलो वाला पैकेट आता है ना मार्केट में, उतनी ही दही ली है। ये घर की नॉर्मल दही है, ज्यादा खट्टी नहीं है। अगर आप खट्टी कढ़ी खाना पसंद करते हैं तो जो पिछले दिन की बची हुई दही है वो ले सकते हैं। ये देखिए, दही छानने के बाद इस तरह बन जाती है, बिल्कुल स्मूथ। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं है। इसमें मैं 7 चम्मच बेसन डालूंगी। कढ़ी मैं 8-10 जनों के लिए बना रही हूँ, तो मैं 7 चम्मच बेसन डाल रही हूँ यहाँ। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच से थोड़ी कम हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम पहले बिना पानी डाले मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें, लम्स नहीं रहने चाहिए इसमें। और ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें 2 गिलास मैं अभी पानी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी अभी डालने की ज़रूरत नहीं, बाकी पानी हम कढ़ाई में ही डाल लेंगे और अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 3-4 चम्मच तेल डाल लेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। और ये देखिए, ये 2 तेज़पत्ता लिए हैं, 5 लौंग हैं और 10 काली मिर्च हैं। ये खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। इन खड़े मसालों से खाने का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है और साथ ही ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जो काली मिर्च हैं, लौंग हैं, जो बॉडी में कफ जम जाता है ना, उसे नहीं जमने देती, तो ये ज़रूर डालने चाहिए। अब इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 1/2 चम्मच ये मेथी दाना डालेंगे, 1/4 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे या राई डाल लें, और 1/2 चम्मच ये क्रश किया हुआ साबुत धनिया डालेंगे। ये साबुत धनिया ज़रूर डालिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, थोड़ा रगड़ के डाल दीजिएगा। सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं तो अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। कढ़ी के साथ प्याज का बहुत अच्छा कम्बिनेशन होता है, अगर आप प्याज खाते हैं तो ज़रूर डाल लीजिएगा। प्याज को हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। कढ़ी में थोड़ा ब्राउन प्याज ही अच्छा लगता है। और साथ ही इसमें ये 10-12 करी के पत्ते डाल देंगे। अगर घर में करी का पौधा है या घर के आसपास है तो करी लीव ज़रूर डाल लीजिएगा दोस्तों। और ये देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो अब ये घोल हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करके डालिएगा क्योंकि नीचे बेसन जम जाता है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं 2 गिलास पानी और डाल रही हूँ। टोटल हमने अब तक 4 गिलास पानी डाला है, बाकी 1 गिलास पानी मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि कढ़ाई को ज़्यादा नहीं भरना होता। जब इसमें उबाल आएगा तो ये ऊपर से निकल जाएगी, ज़्यादा ऊपर तक भर देंगे तो। अब कढ़ी को हम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 उबाल आने तक पकाएंगे। कढ़ी को हमने लगातार चलाना है, अगर बीच में छोड़ देंगे तो कढ़ी हमारी फटी फटी हो जाएगी, और लगातार चलाएंगे तो बिल्कुल स्मूथ हमारी कढ़ी बनके तैयार होगी। हाई फ्लेम पर ही कीजिए ये काम उबाल आने तक। इतनी कढ़ी में उबाल आने में 10-12 मिनट लग जाती हैं। और ये देखिए दोस्तों, कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और अब कुछ नहीं करना, इसको धीरे 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 पकने देंगे और बीच में दो तीन मिनट बाद चला देंगे। कढ़ी को आपने 10-15 मिनट नहीं पकाना है दोस्तों, कढ़ी को पकने में 30 से 40 मिनट लग जाती हैं, तभी कढ़ी का बेस्ट टेस्ट बनता है। अगर आप 10-15 मिनट उबालोगे, पकाओगे, तो देखने में आपको कढ़ी ही लगेगी वो, लेकिन वो टेस्टी नहीं होती। अगर आपको टेस्टी कढ़ी खानी है तो इसे 30 से 40 मिनट आपने ज़रूर पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। कढ़ी जब इस तरह करती रहती है तभी इसमें अच्छा टेस्ट बनता है, और बीच बीच में चलाते रहना है।
और अब देखिए दोस्तों, कढ़ी को पकते हुए आधा घंटा हो गया है और इसकी क्वांटिटी देखिए काफ़ी कम हो गई है, ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है। तो इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एक उबाल आने देंगे इसमें, और कढ़ी में उबाल आ चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब ये मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। कढ़ी में कसूरी मेथी ज़रूर से डालिए, बहुत स्वादिष्ट लगती है। थोड़ी क्रश करके इस तरह डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। 2 मिनट पकने देंगे और अब लास्ट में इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये कढ़ी अब बन के तैयार है दोस्तों। नॉर्मली घरों में प्रोसेस यहीं तक का होता है। आज मैंने बिना पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है। अगर आप पकौड़े वाली कढ़ी देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने उसकी वीडियो पहले ही डाली हुई है। बहुत टेस्टी कढ़ी बन के ये तैयार है दोस्तों, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर आप इसे और सुंदर दिखाना चाहते हैं या फिर घर में मेहमान आए हैं तो आप इसमें एक तड़का और लगा दीजिए ऊपर से। एक तड़का पैन ले लेते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी को गर्म होने देंगे और इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा, 2 पिंच हींग डालेंगे और जीरे को चटकने देंगे। और ये देखिए जीरा पक चुका है, तो गैस को ऑफ कर देते हैं। और ये 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे अच्छे कलर के लिए। और ये तड़का अब कढ़ी पर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। देखने में भी अच्छा लगता है और कढ़ी का टेस्ट भी बढ़ जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी बनके तैयार हो गई है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।